करते हैं। अच्छा, अब ये हमारा जो है चैप्टर 8 फिनिश हो गया है ना। तो अब हम आते हैं किस तरह से इसको हमें पढ़ना है। वैसे ये चीज़ मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ, आप जब HTML पढ़ रहे हैं तो यू शुड लर्न ऑल द टैग्स, आपको पता होना चाहिए, और उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप इसकी नोट शीट्स बना सकते हैं सारे टैग्स की और उनके एट्रीब्यूट की, और ये आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगी, इंटरनेट पर बनी बनाई भी मिल जाएगी। आप इस तरह से अगर सर्च करेंगे नोट शीट या पॉइंट्स टू रिमेम्बर HTML ऐसा, और ये ज़रूरी नहीं है कि इस टॉपिक के साथ हो, आप सभी टॉपिक्स के लिए आप इस तरह से इंटरनेट पे सर्च करेंगे पॉइंट्स टू रिमेम्बर, नोट शीट या की पॉइंट्स, ऐसे टर्म्स के साथ सर्च करेंगे तो आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जिससे आप बहुत ही क्विक तरीके से, क्विकली आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा जो है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, चाहे RPSC के हो चाहे और कोई भी हो, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करना चाहिए, और आपको देखना चाहिए किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, तो उससे आप बहुत इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे और आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर लैक करते हैं, लैक मतलब आप में कहाँ कमी है। तो उन टॉपिक्स को आप थोड़ा सा और स्ट्रेस देंगे, थोड़ा सा और समझेंगे, तो आप बहुत इजीली उनको कर पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहने चाहिए। चाहे कोई भी टॉपिक आप पढ़ें, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप फिर भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, रही बात बुक्स के बारे में, तो अभी तक जो टॉपिक हमने पढ़ा, HTML, DHTML के बारे में हमने बात करी, जो भी वेब टर्मिनोलॉजीज, तो इसके लिए बहुत सारी बुक्स आपको लाइब्रेरी में, और बोल सकते हैं ऑनलाइन, और आपके कहीं पे भी आप बुक स्टोर्स पर जाके परचेस कर सकते हैं। मैं इस सब्जेक्ट के लिए कोई भी स्पेसिफिक बुक इसलिए रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आपका सिलेबस जो है, पहली चीज़ वो ऐसा है कि एक बुक के अंदर सारा कंटेंट मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। वैसे मिल भी सकता है, पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसी कोई बुक होगी जो कि आपकी सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करे। लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, कंटेंट टू द पॉइंट शॉर्ट होना चाहिए, और सारा सिलेबस कवर होना चाहिए। सारे एलिमेंट्स सभी एक बुक में नहीं मिलेंगे। वैसे स्टैंडर्ड अगर आप देखें तो HTML के लिए और DHTML के लिए और जो भी दूसरे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनके लिए बहुत सारी बुक्स आपको मिलेगी, और स्टैंडर्ड में जैसे ब्लैक बुक आप ले सकते हैं, कंप्लीट रेफरेंस HTML ऐसी एक बुक आती वो ले सकते हैं। आप HTML की कोई भी बुक उठाएं, चाहे कोई भी ऑथर हो, चाहे इंडियन ऑथर हो चाहे फॉरेन ऑथर हो, आपको कंटेंट सारा एक जैसा ही मिलेगा। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सी बुक से अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। फॉरेन ऑथर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एलोबरेटेड वे में लिखेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल वे में लिखेंगे, तो इसलिए अगर आप इन्हें HTML की कोई फॉरेन ऑथर की कोई स्टैंडर्ड बुक उठा ली, जैसे लेट से कंप्लीट रेफरेंस उठा ली, तो वो बुक ही इतनी ज़्यादा होगी कि आपको उसको पढ़ने में 4-5 दिन लग जाएंगे, उससे ज़्यादा लग जाएंगे। तो अगर आपको शॉर्ट कंटेंट शॉर्ट में चाहिए तो यू शुड बेटर एक्सप्लोर द इंटरनेट इटसेल्फ, और कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाइए। और मैंने आपको बताया, कोई भी आप जो है बेसिक बुक ऐसी लीजिए जिसमें कंटेंट आपको नोट्स के रूप में शॉर्ट फॉर्म में मिल जाए, तो उससे आप बहुत इजीली इसको प्रिपेयर कर पाएंगे। आपको दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो छोटे छोटे डेफिनेशन, जैसे मैंने अभी की वर्ड्स जो है कुछ की टर्मिनोलॉजीज़ को इंक्लूड करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी बहुत सारे की टर्मिनोलॉजीज़ हो सकती हैं, तो उनको आप पढ़ने की कोशिश करें तो उससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। तो ये आपका चैप्टर 8 शुरू से मतलब पूरी तरह से ख़त्म होता है, और आप इसको वीडियोस को देखिए, कंटेंट को रिवाइज करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी। मैं आज कंप्यूटर साइंस के बारे में, जैसे अभी सर ने थोड़ा इस बताया है कि उस बुक्स के बारे में और पढ़ने के बारे में बताया होगा और कहाँ से पढ़ना है। एक जगह बुक कंटेंट पूरा है नहीं, और मैंने भी सर से पूछा था तो मैं बोला कि एक बार स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही है तो आप उनको एक ब्रीफली बुक्स के बारे में और पढ़ने के बारे में, कंटेंट के बारे में दे दो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट हैं जो वीडियोज़ परचेज नहीं कर सकते हैं, प्राइस या जो भी सेल्फ स्टडी को ज़्यादा सोचते हैं, तो उनके बारे में पूछने क्यूरीज थी। तो सर ने बता दिया होगा कि बुक्स जो कंटेंट है और एक जगह कंपाइल कहीं मिलेगा नहीं, और जहाँ मिलेगा तो वो एक्चुअल में क्या कैसा मिलेगा आपको, वो पूरा का पूरा
बिखरा हुआ मिलेगा, एक जैसे कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस को पढ़ाने में और ये जो कंटेंट बनाने में ये थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, बट हमारे जो वीडियोज अभी जितनी भी हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ है उससे, और बाकी जहाँ कहीं भी आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे होंगे वहाँ कंपेयर कर लीजिएगा। ओनली एंड ओनली SCF पे हमारा पूरा फोकस है। आप दूसरी जगह चलो ठीक है, एक आपको कंप्यूटर साइंस का CS का जो भी कंटेंट कहीं से मिल जाता है आपको सस्ता भी मिल जाएगा, लेकिन क्या होता है कि वो एक ही एग्जाम की पढ़ा रहे हैं, उस एग्जाम को कॉपी पेस्ट दूसरी जगह से कर देंगे। जैसे कोई कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी उसका दे दिया, जब कोई दिल्ली में वैकेंसी आई हुई है कंप्यूटर से रिलेटेड टीचर से रिलेटेड, उस वैकेंसी को भी ना इन्होंने कंटेंट को दूसरी जगह कॉपी पेस्ट कर दिया और बोल देंगे दोनों का सेम है, सेम है, और कंटेंट में और पेपर के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है हमेशा ही। यदि आप कोचिंग क्यों ले रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको एग्जैक्ट वही चीज़ें मिले जो जहाँ से आपको मिल रहा होगा। तो मतलब ये है कि जो हमारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल है वो ओनली एंड ओनली किसके लिए, SCF से ओरिएंटेड है, और जो कॉपी पेस्टेड नहीं है कहीं से भी आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो SCF का हम कवर करा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, जो आज मैं बात करूँगा ओनली कंप्यूटर साइंस की, जो सर ने बताया, तो इसके बारे में जो हमारी टेस्ट सीरीज अभी आई नहीं है, बन रही है और उस पर काम हो रहा है, खुद सर उस टेस्ट सीरीज को पूरा वर्क कर रहे हैं, और सर की खुद की बुक्स आई हुई है मार्केट के अंदर, लेकिन ठीक है उनको कंटेंट को एक SCF के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, और जो अभी पहले प्रीवियस के पेपर तो वैसे थे नहीं अभी अवेलेबल साइट पे, RPC ने नहीं करा रखे हैं, लेकिन जैसे कुछ और एग्जाम के करा रखे हैं पॉलिटेक्निक कुछ भी अदर एग्जाम लेक्चरार के, तो उनको एनालिसिस करके कंप्यूटर जो इंजीनियरिंग है उसमें से कुछ मैटर जो पहले पेपर आया हुआ है उसको एनालिसिस करके और ये पेपर की डेप्थ को ध्यान रखते हुए हम ये कोर्स कंटेंट को तैयार कर रहे हैं, और साथ में उस टेस्ट सीरीज को भी उसके अकॉर्डिंग तैयार करेंगे, ठीक है। तो आगे अपन बात करेंगे इसके जो कंप्यूटर साइंस के बारे में, कि इसकी जो नोट्स है कंटेंट, मैं अभी थोड़ा सा दिखाऊंगा इनको, फीस क्या है, और नो जो कंटेंट है नोट्स है वो हम होम डिलीवरी कर ही रहे हैं, और कोर्स की वैलिडिटी क्या है, लिमिट क्या है, उसको एक्सेस कैसे करना है, साथ में जो वीडियोज है डेमो वीडियोज है वो आप कहाँ देख सकते हो और कैसे देख सकते हो, नोट्स कंटेंट कैसे है हमारे, वो भी मैं आपको एक उनके डेमोज अभी बता दूंगा, साथ में शेयर कर दूंगा, और हमारे जो सर है अभी इनका आप कहीं पे भी हो, चाहे सर हो HOD हो शेष ब्रांच के कैसे भी हो, आप उनका कंटेंट देखिए और उनसे पढ़िए, फिर उनसे लगिए कि हाँ अपने लाइक कंटेंट आ रहा है, ओनली एंड ऑन SCF के लिए आ रहा है, आपका टारगेट SCF है जहाँ तक है तो उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, तो उसके साथ आगे आप कैरी करिएगा, ठीक है। तो अभी जैसे फीस वगैरह मैं और आगे डिटेल में बता दूंगा इसके बारे में, तो अपन बात करते हैं इसके बारे में डेमो वीडियोज और हमारे कोर्स के बारे में। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जैसे अभी मैंने बता दिया, आप जैसे ही अपनी साइट पे, जैसे अब मैंने नीचे इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है कंप्यूटर साइंस पे डायरेक्ट आपको कैसे जाना है कोर्स के लिए, बाकी तो भी मैं आपको बता रहा हूँ, SCFClasses.com आप गूगल करोगे तो आपके सामने ये होम पेज आएगा। इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ आप चाहो तो हमारे जो व्हाट्सएप का ये दे रखा है पीछे मेरी इमेज के पीछे, यहाँ आप देख सकते हो व्हाट्सएप, इससे आप लिख के हमारे मैसेज से और भी कुछ क्यूरीज कर सकते हो डायरेक्ट। उसके अलावा आपको डायरेक्ट कोर्स में जाना है, यदि आप लिंक के थ्रू नहीं जा रहे हो ऐसे जा रहे हो तो आपके सामने सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। उनमें से आपको कंप्यूटर साइंस को देखना है तो कंप्यूटर साइंस ये यहाँ पे है, अदरवाइज आप हमारे पास में लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे ये कैटेगरीज है, इसमें से आप कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट कर दीजिए, आपके सामने डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फीस दिख रही होगी 5000 है, ठीक है, और यहाँ आपके पास तीन चार ये जो बने हुए ऑप्शन है, यहाँ कोर्स कंटेंट है, आप नीचे देखोगे तो पूरा कोर्स कंटेंट यहाँ आप देख सकते हो ऊपर से, कि इसमें कौन कौन सी वीडियोज अभी तक है और हमारा कोर्स कंटेंट कितना हो गया है, ठीक है। साथ में यहाँ दिख रहा है आपको हर इसके सामने प्रीव्यू दे रखे हैं, प्रीव्यू का मतलब ये है कि ये हमारे वीडियो ओपन है डेमोज के लिए, आप इनको देख के आप जज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ नहीं तो आप ऊपर एक प्रीव्यू को दे रखा है ऑप्शन, वहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज है, आप पूरी यूनिट देख रहे होंगे और इसमें जैसे प्रीव्यू के अंदर आप देखते हैं, जैसे सबसे पहले तो ये है, आप एक बार आप डेमो वीडियोस देख लीजिए, फिर अपन नोट्स की है बात करेंगे, और भी जितने भी चीजें ठीक होती है। जिनको हम सेट ये बोलते हमारे हैं, डेमो वीडियोज आप खुद साइट पे जाके देख लीजिए, अदरवाइज हमारे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है सेव और करना हमारे है या साइट पे किसी भी पूरा डॉक्यूमेंट पूरा से कोई अवेलेबल है, डेटा उठाना। ठीक है। ये पूरा कंटेंट सिंपल सा एग्जांपल है,
जिसमें हम देख रहे हैं कि दो नंबर हैं उनको किस तरह से क्या सम। ठीक है, मैंने ये बता दिया, डेमो और भी है, आप एक वन बाय वन देख सकते हो। साथ में हमारे यहाँ पे जो नोट्स है वो एज इट इज यहाँ पे अपलोड है साइट पे ही, सॉफ्ट कॉपी है, तब तक जब तक आपके पास होम डिलीवरी ना नोट्स की हो जाए। और होम डिलीवरी का ये है कि आपको विथ इन, जैसे राजस्थान के अंदर हो तो राजस्थान के अंदर विथ इन मैक्सिमम मान के चलते हैं, आप हमारे का कोर्स परचेज करते हो उस दिन से लेकर आप 5 डेज मान के चलते हैं। हम अभी हमने जितनी भी होम डिलीवरी की है नोट्स की, कंटेंट की, वो विथ इन 5 डेज के समथिंग डिलीवर हो रही है। बट ये है कि आपको होम डिलीवरी कोरियर वही एड्रेस देना है जहाँ कोरियर जा सकते हैं, क्यों, कोरोना का टाइम है और लॉकडाउन है तो इतनी चीज़ें एक्सेस नहीं हो पाती, लेकिन आप एड्रेस ऐसा दीजिएगा जैसे आपके होम टाउन के आसपास का, कहीं पे गांव में डिलीवरी नहीं हो पाएगी, बाकी और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में होम टाउन के बड़ा या तहसील स्तर पे हो जाती है होम डिलीवरी। ठीक है, तो होम डिलीवरी हम आपको कह ही रहे हैं, होम डिलीवरी आपको दे देंगे और फ्री ऑफ, अभी उसके बारे में आपको बात करेंगे। तो ये रहा हमारा कोर्स, 5000 अभी इसकी प्राइस, ठीक है। और साथ में आपको मैं अब इसके बारे में और बताऊंगा, आप परचेज करना है तो परचेज ए टू कार्ड करना है, ए टू कार्ड करके आप चेकआउट कर लीजिए। जैसे आप चेकआउट पे जाते हो तो आपके पास ये नाम और ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह ये जाएंगे और मोबाइल नंबर, आप इनको एक्सेस कर दोगे तो फिर हाथों हाथ आपकी आईडी एक्सेस हो जाएगी, आपके पास एप्लीकेबल हो जाएगा। और पेमेंट गेटवे ऑप्शन बहुत ईजी है, आप यूपीआई, भीम, एप्पल कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा हमारे इस कोर्स के बारे में। अब अपन बात करते हैं नोट्स के बारे में, ठीक है। ये जो हमारे सारे के सारे नोट्स आप देख रहे हो, यूनिट टू, मतलब ये सारे हैं कि ये यूनिट टू, यूनिट एट, ये सारा कंटेंट आप देख रहे होंगे, तो ये नोट्स के थ्रू पूरा कंटेंट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, वन बाय वन। तो अपन ने बात कर ली इसकी नोट्स के बारे में और डेमो वीडियोस के बारे में अपन बात कर ली, जो डेमो वीडियोस और भी हमारे साइट पे नीचे आप देखिए, इस यूट्यूब पे भी खूब सारे वीडियोस और अपलोड हो रखे हैं, हमारे वहाँ साइट पे भी अपलोड है पूरे नोट्स। मैंने आपको डेमोज बता दिया है, फीस स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, 5000 के समथिंग फीस है, इजीली टू एक्सेस है, ज़्यादा नहीं बर्डन है। हम आपको इसमें नोट्स भी इंक्लूड दे रहे हैं साथ में आपको होम डिलीवरी दे रहे हैं और पूरा कोर्स कंटेंट दे रहे हैं। रहा इसके बारे में टेस्ट सीरीज के बारे में, यदि कोई स्टूडेंट पूछना चाह रहे क्यूरीज, तो मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। तो इसकी टेस्ट सीरीज है, अभी देखो टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसकी टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली हिंदी में तो होने से रही, ठीक है। और सर जो पढ़ा रहे हैं आपको लैंग्वेज है, आप देखना, मैंने सर से भी बात हो रखी है, सर बोलते हैं कि हमें उन स्टूडेंट्स का ध्यान रख रहा हूँ जिनको इंग्लिश में कम्प्लीटली प्रॉब्लम है और वो इजीली हिंदी में कंफर्ट फील करते, तो वैसा ही एक तरीके से पढ़ाया जा रहा है, मतलब तो आपको लगेगा नहीं कि आपको इंग्लिश में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, आपको आराम से आप गेन कर सको। ये सेम टेस्ट सीरीज का रहा, 10 टॉपिक वाइज जो 4 फुल हम टेस्ट सीरीज का रखेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीक से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो इसमें सारा कितने क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल, आपके पास 14 पेपर हो जाएंगे, 14 को 120 क्वेश्चन से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1800 समथिंग या जो भी होता है 2000 समथिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो एक क्वेश्चन बैंक आपके पास आ जाएगी। इसमें से मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे, बाहर से कहीं से जहाँ एग्जाम अदर में आए हुए हैं इससे रिलेटेड वो भी होंगे, और सर खुद बना रहे हैं तो डेप्थ के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपके पास एमसीक्यू के समथिंग एक क्वेश्चन बैंक आ जाएगी, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आरपीसी का लेवल भी जो आप देख रहे होंगे ज़्यादा नहीं है, तो वो चीज़ है। तो ये रहा हमारे इस सीएस ब्रांच के बारे में पूरा पूरा। और आपको यदि हमारे और भी कांटेक्ट करना है तो आप हमारे को सबसे पहले व्हाट्सएप पे, इन नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए जहाँ मैंने बताया साइड के ऊपर है, या आप इस पर कर सकते हो आप अपने बारे में। और फिर और भी डेमो वीडियोज या नोट्स कंटेंट हमारे को चाहिए हार्ड कॉपी, तो मैंने इनकी इस टेलीग्राम ग्रुप है एसीएफ क्लासेस जयपुर, इस पर हमने अपलोड कर दिए और हमारी साइट पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा ओवरव्यू रहे इस कंप्यूटर साइंस ब्रांच का, सारा जो इन्फॉर्मेशन होती है बेसिक मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी इस वीडियो के थ्रू। बाकी और भी कोई क्यूरीज हो, कुछ भी आपको पूछना हो, जैसे भी हो, तो आप ले सकते हो, आप कॉल इसमें मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, कॉल अटेंड ना कर पाए तो बाकी आप हमें कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय।